सुषमा विवाद में नया मोड़, बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने ट्वीट में पार्टी में भीतरघात की ओर किया इशारा। लिखा, आस्तीन के सांप ने सुषमा के खिलाफ रची साजिश, में सुषमा के साथ हूं, गेस करें वो आस्तीन के सांप कौन है। जुलाई 2014 में सुषमा की दखल के बाद ईडी के आरोपी ललित मोदी को मिला था ट्रैवल डॉक्यूमेंट। सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर दी सफाई, कहा ललित मोदी की मदद का आधार मानवता था क्योंकि कैंसर की मरीज थी उनकी पत्नी। फिलहाल वेनस में ललित मोदी, आज तक ने फोन पर ललित मोदी से की बात, शादी समारोह में थे ललित मोदी, बातचीत में कहा फिलहाल मामले पर नहीं कर सकता टिप्पणी लेकिन सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ। कांग्रेस से सुषमा स्वराज के खिलाफ तेज की सियासत, दिल्ली में आज सुषमा के आवास पर प्रदर्शन करेंगे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। सोपोर में फिर एक आम नागरिक की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर मारी गोली। सोपोर में मारे गए शख्स का नाम एजाज अहमद, पिछले एक हफ्ते में सोपोर में चार आम नागरिकों की हो चुकी हत्या। निजी चैनल के पत्रकार हैदर पर पीलीभीत में हमला, दबंगों ने पहले फायरिंग कर धमकाया फिर दो बाइक में बांधकर घसीटा, मरा समझकर छोड़ दिया अस्पताल में भर्ती। पत्रकार हैदर के मुताबिक एक खबर दिखाए जाने से खफा थे दबंग, आनंद नाम के शख्स ने धोखे से फोन कर बुलाया फिर किया जानलेवा हमला। झड़ने के बाद इन लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया, पहले रिवॉल्वर निकला ये मारा यहाँ पे कंपटी। शाहजहांपुर में मृतक पर पत्रकार जगेंद्र के परिवार का धरना जारी, यूपी सरकार के मंत्री पारसनाथ यादव का गैर जिम्मेदाराना बयान, हत्या पर बोले ये विधि का विधान है इसे कौन रोक सकता है। घटनाएं कुछ ऐसी होती हैं जो निश्चित होती हैं, प्रकृति का नियम है, विधि का विधान है। आज से राहुल गांधी का दो दिन का छत्तीसगढ़ दौरा, किसानों और आदिवासियों से करेंगे मुलाकात। कोरबा जिले के कुडमुरा गांव के आदिवासियों से मिलेंगे राहुल, मदनपुर के किसानों से भी करेंगे बातचीत। मणिपुर में उग्रवादी हमले के ग्राउंड जीरो पर पहुंचा आज तक, चंदेल जिले की इसी जगह पर हमले में शहीद हुए थे 18 जवान, ग्राउंड जीरो पर चौकस दिखे डोगरा रेजिमेंट के जवान, दिन रात कर रहे हैं कॉम्बिंग ऑपरेशन। जितेन तोमर की आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेशी, आज खत्म हो रही है तोमर की दो दिन की रिमांड, सूत्रों से खबर तोमर पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराएं भी लग सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने तोमर मामले में दिल्ली के कुछ संस्थानों में की रेड, फर्जी डिग्री के रैकेट में जुड़े कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी। जितेन तोमर मामले में बीजेपी तेज करेगी आम आदमी पार्टी पर वार, आज से शुरू करेगी आपका पोल खोल अभियान, सूत्रों के मुताबिक करीब 12 विधायकों के खिलाफ बीजेपी खोलेगी मोर्चा। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर घट नहीं रही है सरकार की मुसीबत, आज से पूर्व सैनिकों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन, पूर्व सैनिकों ने दी है आज से भूख हड़ताल पर जाने की धमकी। पूर्व सैनिकों का केंद्र सरकार के पर वादा खिलाफी का आरोप, कहा चुनाव में किया था वन रैंक वन पेंशन लागू करने का वादा, एक साल भी आगे नहीं बढ़ पाई सरकार। केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल शीला कौल के अंतिम संस्कार में पहुंची सोनिया गांधी, शीला कौल को दी गई श्रद्धांजलि, गाजियाबाद के हिंडन शमशान घाट पहुंचकर परिवार को सोनिया ने बताया ढांढस। दिल्ली से पटना लौटे जीतन राम मांझी ने कहा मैं नहीं हूं सीएम पद का उम्मीदवार, कबूल होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री, मांझी ने कहा पूरी हो चुकी है सीएम बनने की इच्छा, अब नीतीश को गद्दी से हटाना। जब तक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को हटाने में सफल नहीं होते हैं तब तक उम्मीद प्रतिज्ञा का किसी पद या किसी अन्य पर जाने की बात नहीं रहेगी, बिहार की जनता के साथ मरेंगे, बिहार की जनता के साथ। आज से दिल्ली वालों के लिए महंगी हो रही है बिजली, डीआरसी ने 6% तक बढ़ाए बिजली के दाम, बीएससीएस यमुना और बीएससीएस राजधानी ने 6% और टाटा पावर ने 4% महंगी की बिजली। दिल्ली हाई कोर्ट में आज उबर कैब की याचिका पर सुनवाई, दिल्ली में कैब चलाने के लाइसेंस को
एक्सटेंड न करने के फैसले के खिलाफ याचिका। दिल्ली में एसीबी कार्रवाई के अपने ही आंकड़ों में फंसी केजरीवाल सरकार, आज बीजेपी करेगी पलटवार, ज्यादातर गिरफ्तार अफसर दिल्ली सरकार के विभागों के। दिल्ली सरकार के आंकड़ों में एसीबी की 35 गिरफ्तारी में एमसीडी से केवल दो नाम, दिलीप पांडे ने दिल्ली एमसीडी को बताया था देश का सबसे भ्रष्ट एजेंसी। पूर्वी और उत्तर एमसीडी के बाद दक्षिणी एमसीडी ने भी दिल्ली सरकार से मांगा फंड, दिल्ली की सबसे अमीर एमसीडी में भी आर्थिक तंगी, दक्षिणी दिल्ली एमसीडी में भी सैलरी संकट खड़ा होने की नौबत। एसपी नेता आजम खान ने योग के बाद फिर साधा योगी आदित्यनाथ का निशाना, कहा योग से नहीं योगी से आती है बू। हमें योग से बू नहीं आती, हमें एक योगी से बू आती है। पटना में सीएम नीतीश कुमार लगाएंगे जनता दरबार, लालू से हाथ मिलाने के बाद नीतीश का पहला जनता दरबार। मैगी बैन के मुद्दे पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी सफाई, पूछा क्यों लगाया गया राज्य में मैगी पर प्रतिबंध, राज्य के फैसले के खिलाफ नेस्ले ने की थी हाईकोर्ट में अपील, आज राज्य सरकार को देना होगा जवाब। मुंबई ऑडी ड्रंक एंड ड्राइव केस में आरोपी जानवी गडकर को ने कोर्ट में दी जमानत याचिका, आज होगी सुनवाई। आज तत्काल टिकटों की बुकिंग का बदला वक्त, एसी टिकटों की बुकिंग शुरू होगी 10 बजे से, नॉन एसी टिकटों के लिए 11 बजे से शुरू होगी बुकिंग। बीएसएनएल का अपने उपभोक्ताओं को तोहफा, रोमिंग पर आज से इनकमिंग कॉल्स फ्री। दिल्ली के कई हिस्सों में गंभीर जल संकट के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, कांग्रेस नेता भी हुए शामिल, मायापुरी इलाके में जल समस्या पर प्रदर्शन। यूपी के संभल जिले में मेहता ऑयल के स्टोर में शॉर्ट सर्किट से लगी भयंकर आग, लाखों का नुकसान, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। झारखंड के गुमला में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 खूंखार नक्सलियों किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। लखनऊ में दूध में पीने वाले ड्रिंक में कीड़े मिलने से मची सनसनी, शिकायत मिलने के बाद खाद्य विभाग ने कंपनी से मांगी सफाई। ये भी मीडिया के माध्यम से संज्ञान में लाई गई थी कि कंप्लेन में जो है कुछ कीड़े आने का, उस संबंध में डिटेल हमें रिटर्न कंप्लेंट दे दें ताकि उस पर हम नियमानुसार जो है आगे प्रोसीड किया जाए। पत्रकार मर्डर केस में मंत्री राममूर्ति वर्मा और मुख्यमंत्री के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा मृतक परिवार का पत्रकार का परिवार। दिल्ली की पॉश कॉलोनी ईस्ट पटेल नगर में डबल मर्डर, 92 साल के बुजुर्ग सेवाराम और 65 साल की बहू की घर में मिली लाश। यूपी के फर्रुखाबाद में एसिड अटैक में 6 लोग गंभीर रूप से झुलसे, एसिड हमले का आरोपी आदिल भी झुलसा, गांव वालों के मजाक उड़ाने को लेकर परेशान था आदिल। बहराइच में हुई आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या के मामले में 6 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान भी हुआ गिरफ्तार। कानपुर में महिला हॉस्टल को बंद करने के निर्देश, आपराधिक वारदातें बढ़ने के बाद डीएम ने लिया फैसला, पिछले हफ्ते हॉस्टल के मैनेजर समेत 4 पर लगा था यौन शोषण का आरोप, एक दिन पहले ही महिला का मिला था शव। दिल्ली के बिंदापुर में सेल्स टैक्स विभाग के फर्जी असिस्टेंट कमिश्नर को किया गया गिरफ्तार, मामूली झगड़े की जांच के दौरान हुआ खुलासा।